प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोस्ट बजट वेबिनार के पहले कार्यक्रम में ग्रीन ग्रोथ पर लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का बजट वर्तमान चुनौतियों के समाधान के साथ ही नए युग के सुधार को आगे बढ़ाता रहा है। पोस्ट बजट वेबिनार कार्यक्रम की आज से शुरुआत हो गई है, जो कि 11 मार्च तक चलेगा और इस दौरान 12 अलग अलग सेक्टर पर चर्चा होगी और लोगों से बजट की घोषणाओं को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए सुझाव लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2014 के बाद से भारत में जितने भी बजट आए हैं उनमें एक पैटर्न रहा है। पैटर्न यह है कि हमारी सरकार का हर बजट वर्तमान चुनौतियों के समाधान के साथ ही नए युग के सुधार को आगे बढ़ाता रहा है। उन्होंने आगे कहा है कि यह बजट भारत को ग्लोबल ग्रीन एनर्जी मार्केट में एक लीड प्लेयर के रूप में स्थापित करने में भी एक बड़ी भूमिका निभाएगा। व्हीकल्स का उपयोग करती है भोगा, भारत की व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी ग्रीन ग्रोथ स्ट्रेटेजी का एक अहम हिस्सा है। व्हीकल स्क्रैपिंग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने इस बजट में 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। आने वाले कुछ महीनों में केंद्र और राज्य सरकार की करीब करीब 3 लाख गाड़ियों को स्क्रैप किया जाना है। ये गाड़ियां 15 साल से ज्यादा पुरानी हो चुकी है। इनमें पुलिस जिन व्हीकल्स का उपयोग करती है वो गाड़ियां हैं, खास करके हमारे हॉस्पिटल्स में जो एम्बुलेंस हैं, हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जो बसेस हैं। व्हीकल स्क्रैपिंग आप सभी के लिए बहुत बड़ा मार्केट बनने जा रहा है।